हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर आप सभी को सिकंदरा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान, जिसमें मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। और हम लोग हंसते हंसते पढ़ेंगे, इंजॉय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूल कर्तव्य का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। मूल कर्तव्य का मतलब होता है ना, जो जीवन के लिए जरूरी हो, जो जीवन के लिए जरूरी हो, जिसके बिना कोई काम ही न चले, ठीक है। मूल कर्तव्य का मतलब होता है ना कि जो जीवन के लिए जरूरी हो, जिसके बिना कोई काम ही न चले, ठीक मेरे दोस्त। उसी प्रकार एक आशिक है, यानी कि एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है। प्रेमी अपने प्रेमिका से कहता है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक। उसी प्रकार मूल कर्तव्य का मतलब होता है जो जीवन के लिए जरूरी है, जिसके बिना कोई काम ही न चले। आशिक का काम क्या है, अपने प्रेमिका से मिलना, ठीक है। आशिक का काम है अपने प्रेमिका से मिलना, उसका क्या है, कर्तव्य है, उसका एक मूल कर्तव्य है कि हमारी प्रेमिका है, हम अपनी प्रेमिका से मिलेंगे, ठीक है। तो प्रेमिका का मतलब है, प्रेमिका मतलब है कि अपने प्रेमिका से मिलना, उसका क्या है, एक मूल कर्तव्य है, ठीक। उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है। तो आते हैं प्रश्न, जहां पूछता है बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पूछेगा ना कि मूल कर्तव्य को क्या कहते हैं, तो मूल कर्तव्य को ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। पूछेगा मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो बताएंगे मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, और इसी को सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। इसी को सोवियत संघ कहते हैं। पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो बताएंगे मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 51 के क में है, ठीक है। 51 के क में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि बनने को पहले ही बन चुका था, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। भारत का मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई वर्णन ही नहीं था, मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई वर्णन नहीं था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और राष्ट्रपति हमारे फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो पूछेगा कि मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो बताएंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जुड़ा गया, हालांकि इसे कोई फॉलो ही नहीं करता था। जब इसे कोई फॉलो ही नहीं करता था, तो सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति ने इसे दंडनीय बताया कि जो इसे फॉलो नहीं करेगा उसे सजा दिया जाएगा, ठीक है, इसे सजा दिया जाएगा। इसको हम आगे बताएंगे और विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और 1976 में जोड़ा गया था। पूछेगा कि मूल कर्तव्य को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। जब इसे सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति ने इसे दंडनीय बताया, तो बताया कि जब दंडनीय बताया तो इसे कोई फॉलो ही नहीं करता था। जब इसे कोई फॉलो ही नहीं करता था, तो इसने एक समिति बना दिया, जिसे कहते हैं वर्मा समिति। यानी कि पूछेगा कि इसे लागू कराने वाली कौन सी समिति थी, तो आप बताएंगे वर्मा समिति थी। और कब लागू हुआ,
1999 में लागू हुआ है। तो प्रश्न पूछेगा कि मूल कर्तव्य को लागू कराने वाला कौन सी समिति थी, तो बताएंगे वर्मा समिति थी। और पूछेगा कि कब लागू हुआ, तो बताएंगे 1999 में लागू हुआ। ठीक है, 1976 में मूल कर्तव्य 10 था। ठीक है, 1976 में मूल कर्तव्य 10 था। यानी अब की बात की जाए, अब का मतलब वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान में कितना है, 11 है। और 11वां 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और राष्ट्रपति कौन था, तो बताएंगे एपी अब्दुल कलाम। ठीक है, तो पूछेगा कि 1976 में मूल कर्तव्य कितना था, तो बताएंगे कि मूल कर्तव्य कितना था, 10 था। पूछेगा कि मूल कर्तव्य 1976 में 10 था, तो वर्तमान में कितना है, तो बताएंगे 11 है। पूछेगा कि 11वां कब जोड़ा गया था, तो बताएंगे 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, तो बताएंगे 2002 में जोड़ा गया था। फिर पूछेगा कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फिर पूछेगा कि हमारे देश के उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो बताएंगे कि एपी अब्दुल कलाम थे। ठीक है, एपी अब्दुल कलाम थे। हालांकि इसे में से अब आते हम लोग मूल कर्तव्य कौन कौन है, तो मूल कर्तव्य कितना पहले था, पहले मूल कर्तव्य कितना था, भाई 10 था। अब की बात की जाए, अब यानी वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान में कितना है, 11। हालांकि 11 को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो मेन है बता दे रहे कहां कहां से प्रश्न ज्यादा बनता है, या तो पहला पढ़ना पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला 7वां 9वां 11वां यही ज्यादा है। और ठीक है, जो मूल कर्तव्य कितना था, 11, इसे दंडनीय नहीं है, मूल कर्तव्य हमारा दंडनीय नहीं है। हम माने या ना माने, हमारे लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, हमारे लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये चार को देख रहे हैं ना, पहला 7वां 9वां 11वां, यदि आप नहीं मानते हैं, पहला 7वां 9वां 11वां यदि आप नहीं फॉलो करते हैं, तो आप ठोका जाएंगे। ठीक है, आपको सजा दिया जा सकता है। और यही चार को पढ़ लीजिए, बाकी इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं, हालांकि इसको ध्यान लीजिए, इसको फॉलो करेंगे नहीं तो आपको सजा दिया जा सकता है। ठीक है, पहला हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को कर्तव्य दिया जाता है कि वह राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, गीत और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि राष्ट्रध्वज कहीं तिरंगा गिरा है तो इसमें लाज से थोड़ी हथिया, उसको उठाकर इज्जत से सम्मान देंगे। हमारा देश के जवान तिरंगे के लिए जान दे देते हैं, लेकिन कभी तिरंगा को झुकने नहीं देते हैं। मेरे दोस्त, कभी तिरंगा को झुकने ही नहीं देते हैं। राष्ट्रगीत कहीं राष्ट्रगान हो रहा है, कहीं राष्ट्रगीत हो रही है, तो वहां जाकर आप गा सकते हैं। ठीक है, शांति से खड़ा होकर, सावधान मुद्रा में खड़ा होकर गा सकते हैं, सुन सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन हल्ला नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जाके वहां डीजे बजाने लगे, सुरती बनाने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं, वहां शांति से यदि आपकी इच्छा हो तो गाइए, नहीं इच्छा हो तो शांति से सुनिए। अगर वो भी सुनने की नहीं इच्छा है तो आप शांति से वहां से चले जाइए, वहां हल्ला नहीं करना है। ठीक है, वही बात है। ठीक है, इसको समझ गए आप, आता है आपका। ठीक है, आपका दूसरा नंबर पाता है कि भारत की अखंडता को बनाए रखे। ठीक है, भारत की अखंडता को बनाए रखे, नहीं कि कहें कि भारत का टुकड़े टुकड़े हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारत की अखंडता को बनाए रखेंगे। ठीक है, और आपका तीसरा कहता है कि भारत देश की रक्षा करे। ठीक है, देश की रक्षा करे, जरूरत पड़ेगा तो आप देश की रक्षा कर सकते हैं। एक ऐसा कौन सा संविधान में बात कही गई है, तो मेरे दोस्त मूल कर्तव्य तो कितना था,
11 था और 11वां में तीसरा यही बात कही गई, ठीक है। चौथा था कि देश की आप रक्षा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सीधा बात लेके चलते हैं सातवां की तरफ। अब आपको पहले ही बता दिए थे कि मेन पहला पढ़िए, सातवां पढ़िए, नौवां पढ़िए और 11वां पढ़िए, बाकी उतना प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं सीधा सातवां। सातवां कहता है कि प्राकृतिक जितने पर्यावरण यानी कि जैसे पेड़ पौधे हैं ना, उनको आप रक्षा करेंगे, ठीक है, उनको काटेंगे नहीं। यदि काटेंगे तो आपको वन विभाग वाला पकड़ लेते हैं, आपको सजा देते हैं। कौन देता है? वन विभाग वाला। इसी बात को इसमें कहा गया है, ठीक है, सातवां। नौवां में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। सार्वजनिक का मतलब होता है संपत्ति का मतलब ना, जैसे रेलवे, रेलवे का किसी की बाप का है नहीं, हम सब आपका सबका अधिकार है, ठीक है, रेलवे पर। जैसे हवाई अड्डा, क्या हवाई अड्डा किसी की बाप का है? नहीं, सबका अधिकार है आना जाने का। सरकारी बस हुई, क्या किसी की बाप का है? नहीं। सड़क चौराहा जैसे होता है ना, कहीं चौराहा और नहीं जाम करना चाहिए, आपको क्या करता है कि पुलिस आकर मारने होने लगता है, हटाने लगता है, आपको सजा दे सकता है, ठीक है। तो आपको सातवां नंबर भी याद करके रखना है कि पर्यावरण रक्षा करना है, पेड़ पौधे को काटना नहीं है, इससे क्या होता है, वन विभाग वाले आपको भी सजा दे सकते हैं, ठीक है। नौवां क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति यानी कि रेलवे सेलवे हो गया, हवाई अड्डा हो गया, ठीक है, बस हो गया, चौराहा हो गया, कभी जाम नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको सजा हो सकती है, ठीक है। ग्रामा में 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उसे प्रत्येक अभिभावक, अभिभावक का मतलब होता है ना कि प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक माता पिता को यह कर्तव्य दिया जाता था कि आप अपने पुत्र या पुत्री हो यानी कि बच्चा हो या बच्ची हो, उसके नर्सरी स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल में भेजिए, आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगा। उसका क्या था? कर्तव्य था। किसके? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत, और 11वां है, यही मूल कर्तव्य था हमारा, 11वां और 86वां संविधान संशोधन के तहत लेकर। आप सीधे इससे बाद प्रश्न नहीं बनता है मेरे दोस्त। यदि मेरे दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।